हेलो साथियों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर हिमकृति पैटर्न सीरीज में आपका स्वागत है। मैं आपकी प्यारी मालूती। साथियों, आज जो मैं आपको ये पैटर्न सिखाने जा रही हूँ, इस पैटर्न का नाम मैंने डायगोनल प्लाट रखा हुआ है। अगर किसी को इसका दूसरा नाम भी पता है या किसी जानते हैं तो आप ज़रूर मेरे कमेंट्स बॉक्स में शेयर करिएगा, ठीक है? चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बताते हैं, इसमें मैंने जो ऊन इस्तेमाल करी है ये 2 प्लाई की है, और इसमें एक वाइट ऊन मैंने 2 प्लाई का यूज़ किया है। 2 रंग की ये मैं आपको पैटर्न बताने जा रही हूँ, और मैंने इसे 10 नंबर सिलाई से बना रखा है। और मैंने जो ये इसमें जो फंदे डाले हैं वो मैंने इसमें 24 फंदे डाल रखे हैं, ठीक है? और ये जो पैटर्न जो ये है, ये स्कार्फ में जो जेंट्स होता है, स्कार्फ होता है या मफलर होता है, उसमें 1 रंग में भी और 2 रंग में भी बहुत सुंदर लगता है। ये बच्चों के फ्रॉक में बहुत अच्छा लगता है, और इसमें जो लेडीज़ कोटी में तो ये पैटर्न बहुत अच्छा लगता नहीं है, लेकिन बच्चों के स्वेटर्स में ये पैटर्न बहुत अच्छा लगता है। और आप इसको कैप में भी डाल सकते हैं। वैसे तो जितने भी पैटर्न बनते हैं वो कहीं ना कहीं यूज़ होते ही हैं, अपने हिसाब से आप इसको डाल सकते हैं। चलिए अब मैं इसको शुरू करती हूँ। तो दोस्तों, इसमें मैं 25 फंदे डालती हूँ। एक, दो, तीन, तेईस, 24, 25। 25 फंदे मैंने इसमें डाल दिए। अब मैं आपको बताऊँ कि कैसे इसको बिनते हैं। तो मैंने एक फंदा लिया, ठीक है, और 5 फंदे हमने ये देखिए रिपीट कर दिए। एक, दो, तीन, चार, पांच। 5 फंदे में मैंने डबल वाल फंदे डाले। डबल मतलब 2 बार मैंने उनको डाला, फिर मैंने एक बिना, फिर 5 बार मैंने सेम चीज़ रिपीट करी, ये फंदे डाला, डबल कर दिया। एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच कर दिया। फिर मैंने एक फंदा लिया, फिर 5 फंदे हमने पहले फंदों की तरह बिने। एक, ये देखिए 2 बार मैंने ऊन को लपेटा। दो, तीन, चार, पांच, फिर एक लिया मैंने, ठीक है, फिर 5 फंदों में हमने ऊन को लपेटा। एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये मैंने एक फंदा ऐसे बिन लिया। अब मैंने उल्टी सिलाई देखी ध्यान से, उल्टा फंदा मैंने उल्टा उतार लिया, और फिर जिसमें हमने फंदे लपेटे थे 5, उनको खोल दिया। एक, दो, तीन, चार, पांच, ये 5 फंदे खोल दिए, और इनको हमने दूसरी सिलाई में इस तरह से वापस डाला, और इसको एक साथ भी नहीं। एक, फिर हमने, क्योंकि ये 5 फंदे हमें बनाने हैं, ये 5 फंदे थे ना, 5 फंदे हमें दोबारा बनाने हैं, तो फिर हम इस ऊल को फिर से सिलाई में डाल के, दो, फिर इस ऊल को इस सिलाई में डालेंगे, इस तरह लपेटा, और ये तो अब क्या हो, 5 फंदे हो गए। एक, दो, तीन, चार, पांच, ये जो एक फंदा था उल्टा था, हमने इसे उल्टा बिन लिया। फिर ये इसको इस फंदों को खोल दिए। दो,
तीन, चार और ये पांच। फिर इनको एक साथ ले लिया, एक साथ लेके हमने इनको ऐसे करके उल्टा बिना। ठीक है, अब क्योंकि एक फंदा हुआ हमें पांच फंदे करने, तो इसको दोबारा इसी सिलाई में देखिए, ये है ना, ये फिर से ऐसे डाल के हो गया। फिर इसे जैसे हम लोग डालते ना उल्टा ऐसे करके, फिर इसको हमने ऐसे डाला और इसमें से निकाल दिया पांच फंदे। फिर ये हो गए पांच फंदे। ठीक है, फिर हमने एक फंदा जो हमने उधर सीधा लिया था ये उल्टा है, फिर इसे हमने पांच फंदों को फिर से दोबारा खोल दिया। ठीक है, फिर इसको सिलाई में एक साथ लेके इनको पांचों को एक साथ बिना उल्टा। ठीक है, फिर हमें पांच फंदे करने हैं, तो फिर से हमने ये देखिए, ये ना, फिर से हमने इसमें डाल के इसको वापस बिना। फिर हमने दोबारा एक बार फिर इसको डाल के पांचों फंदों को एक साथ निकाल लिया। ये हो गए पांच फंदे, देखिए एक दो तीन चार और ये पांच। फिर जो सीधा फंदा था इधर उल्टा, हमने उल्टा बेल लिया। फिर हमने पांचों फंदों को एक साथ खोल दिया, ये देखिए। ठीक है, फिर एक दो तीन चार पांच, पांचों को एक साथ बिना ये। फिर इसको वापस ऐसे फंदे को लपेटा ये। फिर हमने एक ऊल को इसके ऊपर से डाला, मैंने इसको पांच फंदे कर लिए और ये हमने पहला फंदा था बिन लिया। ये जाती हूँ, ये एक दफे की बिनी बनाई। और ये जो बुनाई है, ये जो पैटर्न है, वो दो रो में कंप्लीट होती है। एक रो में तो हमने फंदों को लपेटा, दूसरी रो में खोल के इसको हमने घटा के फंदे बढ़ाए। अब हम दूसरा ऊन लगाएंगे। एक रंग से भी आप बना सकते हो, यहाँ पर मैंने दो रंग से बनाना आपको बताया है। और आप और भी मल्टी कलर्स भी यूज कर सकते हो कहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे ऊन हमारे पास बचे होते हैं, तो आप दो की जगह तीन चार पांच जितना भी ऊन लगा सकते हैं। अब जैसे इस सिलाई में आप थोड़ा सा, अब हमें क्या कर रहा, अब इसके बीच में हमारा पैटर्न आएगा, ये देखिए, ये ना, अब इसके बीच में आएगा। तो इसके ये देखिए, अब इसके बीच में ये बनाया हमने, अब इसके बीच बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में, तब ये डायगोनल जो हम बता रहे हैं ऐसे आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये सफेद फंदा हमारा जो बीच का ये सफेद फंदा है, ये जो फंदा है इसको ध्यान में रखना होगा। तो पहले हमने यहाँ पर एक फंदा लिया था, अब यहाँ पर हम चार फंदे बिनेंगे। एक दो तीन और ये चार, मतलब ये होगा कि जो ये पांच फंदे थे हमारे बीच में, ये पांच फंदे थे, तो तीन फंदे इधर चले गए, दो फंदे बचेंगे, एक हमारा ये बीच का फंदा बचेगा और दो फंदे हम इधर से लेके पांच फंदे करेंगे। हो गया, अब देखिए एक, फिर हमने इसको रिपीट किया जैसे हमने पहले वाले फूल में बनाया था, एक ये देखिए दो तीन चार ये पांच, ये देखिए दो इधर से लिए हमने, दो इधर से, अब हमारे पास ये हो गया। अब हम एक फंदा यहाँ से, जैसे हमने एक फंदा बीच का लिया था, अब यहाँ पर भी एक फंदा हम बीच का लेंगे। अब ये दो फंदे फिर हमारे पास बच गए। ठीक है, फिर हमने इनमें एक दो तीन चार ये पांच, पांच हो गए। फिर हमें दो फंदे इधर छोड़ने होंगे और ये एक फंदा हमने
सीधा बिन लिया। फिर ये दो फंदे, एक दो दो तीन चार पांच हो गए। फिर हमने एक सीधा लिया, एक दो और तीन, चार फंदे इधर हमारे, ये चार फंदे इधर हो गए थे, चार फंदे इधर बच गए। और ये एक चीज़ और समझ लीजिए, चार फंदे हम दोनों लिए, फिर ये हमारा बीच का फंदा था, बीच के फंदे के ये इधर साइड दो फंदे, इसके बीच के फंदे से भी दो फंदे इधर लेंगे, फिर एक बीच में सीधा फंदा लेंगे, फिर हम इधर से दो फंदे इधर से लेंगे, बीच का फंदा इधर है, फिर दो फंदे इधर से लेंगे, फिर एक सीधा फंदा लेंगे, फिर दो फंदे इधर लेंगे, एक बीच का फंदा होगा, फिर दो फंदे होंगे और चार फंदे हमारे जैसे बिना। और उल्टी सिलाई में भी जैसे हमने पहले वाले रंग में फूल बनाया था उसी वह इसमें भी बनाना पड़ेगा। तीन चार, फिर हमने उल्टा उल्टा ले लिया, फिर हमने ये देखिए चार पांच, पांच फंदों को एक साथ लेके इनको एक साथ बिना उल्टा एक, और फिर इसको घुमाया, फिर इसी में से डाला ये तीन, और फिर से घुमाया एक फंदा इसमें, ये एक फंदा तो ये हो गया, एक फंदा हमने इसमें और बिन लिया, तो ये हो गए पांच फंदे, ठीक है। और इसको चार, हमारी ये रो भी कंप्लीट हो गई। मैं आपको फिर से एक रो बताती हूँ। अब फिर हमारा ये वाला जो पहले वाला ऊल था, रंग था, इसको हम बनाएंगे। तो सब जब मैंने इसको शुरू किया था तो मैंने एक फंदा सीधा लिया था, ये देखिए अब ये फिर से वही रिपीट हो रहा, एक फंदा लिया, ठीक है। फिर से हमने एक, पांच फंदों में फिर हमने दो फंदे लपेटे, एक दो, फिर ये देखिए बीच का फंदा आया, तीन और ये चार। फिर हमने ये देखिए एक फंदा लिया, अब इस फंदे के बगल में दो फंदे ये हुए और ये हो गया, ये अब दो फंदों में हमने और लपेटा, एक दो तीन चार ये पांच, ठीक है। अब हमने एक फंदा हमने यहाँ से लिया, ये देखिए सीधा लिया, फिर दो फंदे बच गए, एक दो तीन चार पांच, मिले। फिर हमने एक सीधा फंदा लिया, सीधे फंदे के लिए फिर दो फंदे हमें बचे हैं, एक दो तीन चार पांच, और ये फंदा जो ये इधर था इधर भी एक फंदा बचा। ये देखिए बिना यानी शुरू हो गई, और उल्टे में भी हम ऐसे ही करेंगे, एक जो फंदा सीधा था उल्टा लिया, अब इन फंदों को हम ऐसे खोल देंगे, जो अब हम एक सिलाई में करके इन्हें इसे उल्टा बिनेंगे, ये बिना। तो एक फंदा ये हो गया, एक फंदा मैंने इसमें डाल के दो, और एक फंदा ऐसे बिन लिया, ये हो गया तीन, फिर ऐसे करके बिना चार, और ये फंदा एक इसके साथ बिना, ये हो गया पांच। तो ये हमारे एक दो तीन चार पांच फंदे, फिर हमने उल्टा बिन लिया, फिर इनको खोल लिया, चार पांच। अब हमने इसको एक साथ एक सिलाई में डाल के बिना, एक ये दो हुआ,
और इसके साथ बिना ये 3 हो गया, फिर ये ऐसे करा 4 हो गया, और इसके साथ बिना 5 हो गया, तो ये है फिर हमारा 5 हो गया। फिर एक हमने तो आगे से सीधा था, इधर से उल्टा हो गया, फिर मैंने इसको खोला, ये फंदे 5 खोल दिए, ये देखिए। फिर इन फंदों को एक साथ लिया, लेने के बाद इनको एक साथ उल्टा बिना, तो एक एक हो गया, ये 2 हो गए, और इसमें हमने डाला ये 3 हो गए, फिर ये 4 हो गया, और इसके साथ फिर हमने 5 फंदे के साथ उल्टा बिना 5 हो गया। अब ये देखिए फिर 5, 1, 2, 3, 4, 5। इस फंदे को हम ऐसे बिन ले, 1, 2, 3, 4, 5। ये देखिए ये बुनाई, जैसे आपने ये देखिए इसे बुनाई, ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। देखिए इसी तरह से मैंने कहा कि आपके पास ये ऊल बचे रहते हैं, ये मैंने एक ऐसे भी एक पैटर्न और डाला, इसमें जो भी ऊल आपके पास बचे रहते हैं ना, आप इस तरह का ये देखिए इसे बना सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए ये बचे ऊन भी काम आ जाते हैं, और डिज़ाइन का डिज़ाइन बन जाता है, और सुंदर का सुंदर लगता है। तो साथियों ये आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और अपने कमेंट्स ज़रूर हमें कमेंट्स बॉक्स में भेजिएगा, ताकि मेरी जो आगे आने वाली वीडियो मैं उसमें और सुधार कर सकूं। और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।